हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ग्रामर में हम लोग नरेशन पढ़ रहे थे और कल मैंने बताया रहा कि यदि इंपोर्टेंट स्पीशन टू रिलेटिव होगा तो कैसे हम डायरेक्शन डायरेक्टली चेंज करेंगे, उसी क्रम में आज हम लोग फिर एग्जाम्पल करते हैं और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं, हम लोग रमेश When will you return my book? सबसे पहले देखेंगे इंपोर्टेंट स्पीच आपका इंडिकेटिव है तो कैसे हम चेंज कर देंगे। बाकी जैसे रिपोर्टेड स्पीच हुआ, कल मैंने बताया था कि हम रिपोर्टिंग वर्ब से जैसे को आज के लिए अपनी पाड़ा में बदल देंगे। तो जाएगा आपका रमेश आस्क हिज ब्रदर। ठीक, अब उसका हम देखेंगे कामा रूप का मतलब कि हमारा जो प्रश्न वाचक वर्ग है डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू है। जैसे डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होगा इस डब्ल्यू एच वर्ड को एज ए कंजंक्शन के रूप में रखने के बाद इस रिपोर्टेड स्पीच जो कि इंट्रोडक्टिव सेंटेंस होता है उसको हम साधारण वाक्य में बदल देते हैं। सब्जेक्ट को हम रखेंगे पहले, सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन यू है जो कि सेकंड पर्सन का है, चेंज करेंगे ब्रदर से, तीसरे भी प्रोनाउन जाएगा आपका ही। ठीक, अब उसके बाद हम टेंस की बात करते हैं। टेंस में हम क्या देते हैं, आपका विल का प्रयोग है तो विल को हम किसे बदल देते हैं, कुल में। और क्रिया थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में आएगी रिटर्न। फिर आ गया प्रोनाउन माई जो कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज करेंगे रमेश से, रमेश के लिए प्रोनाउन आएगा ही। लेकिन हम देख रहे हैं कि माई जो है परदेसी केस में है, क्यों, क्योंकि जिस केस में प्रोनाउन होगा उसी केस में उसको हम बदलेंगे। तो ही का हम परदेसी केस लेंगे, ही का परदेसी केस हिज, हिज हो और अब हम पुलिस स्टाफ, क्योंकि जैसे ही हम रिपोर्टेड स्पीच जब इंट्रोगेटिव होता है और डायरेक्शन एक्ट बनाते समय जब उसको हम असर्टिव में बदल देंगे तो आगे करके वो पुलिस स्टाफ बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल The children said to their father, "When shall we go to see the fair?" चिल्ड्रेन सेंटुरियन फादर, बच्चों ने अपने पिता से कहा, क्या कहा, मेन साल की गो टू सी फेयर, हम लोग मेला देखने कब जाएंगे, कब, कल, कल मेला देखने कब जाएंगे। अब इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, वाकई आप इंट्रोगेटिव सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, लिखेंगे आपका चिल्ड्रेन आस्क डियर फादर। अब उसके बाद क्या करते हैं कि वाक्य आपका डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू है, मेन का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में कर देंगे और इसके बाद आप सब्जेक्ट रखेंगे क्योंकि प्रश्नवाचक वर्ग को साधारण को बदलना है। वी आपका है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, चेंज करेंगे सब्जेक्ट से कि हाँ नाउन है, थर्ड पर्सन प्लूरल है तो थर्ड पर्सन में जाएंगे। चार आते हैं आपके ही सी इट और दे, इसका प्रयोग कर देंगे आपके दे का प्रयोग कर देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखो आई और जब भी आएगा तब तो हम सर का प्रयोग करते हैं, अन्य नाउन या प्रोनाउन आता है तो उसके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो माने यहाँ पे दे है तो दे के साथ विल का प्रयोग होता है, तो विल को हम किसे बदल देंगे, उड़ में बदल देंगे, दे क्रिया फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, लिखते जाएंगे जब तक प्रोनाउन नहीं आएगा तब तक लिखते जाएंगे। गो टू सी द हियर टुमारो दिया है तो नियम क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में टुमारो दिया है तो उसको हम किसे बदलते हैं, फॉलोइंग में, हम उसको फॉलोइंग डे में बदल सकते हैं या तो द नेक्स्ट डे में भी बदल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल मदर सिर्फ
by being non was my मदर से तू क्या डांटा है? माँ ने अपनी बेटी से कहा, Why did you not wash my clothes? तो मेरे कपड़े क्यों नहीं धोए? है ना? तो आपने किससे मांगा है? अब इसको चेंज करना है। तो हम देखते हैं एक बार फिर डबल स्पर्श से शुरू है। प्रश्नवाचक वाक्य में रिकॉर्डिंग पर वो पहले चेंज कर देते हैं आपने। मदर आस्क हर डांट। ओके? क्योंकि वाक्य डबल स्पर्श से शुरू है तो कंजक्शन के रूप में हम उसी का प्रयोग कर देंगे वाई हो जाएगा। अब इस प्रश्नवाचक को आपको संधारक में बदलेंगे। यू है आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट ये आपका क्या है? यहाँ पे डाटा है, इसके लिए प्रोनाउन क्या जाएगा? सी आ जाएगा। अब हम टेंस देखेंगे। टेंस देखें कि पास्ट की डिफरेंट टेंस है, तो पास्ट और डिफरेंट को हम पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव, चूंकि निगेटिव है इंडिकेटिव प्लस निगेटिव, तो इंडिफरेंट केस को निगेटिव चेंज कर देंगे। तो सॉरी परफेक्ट टेंस की निगेटिव में तो हट जाएगा ना का आएगी, क्रिया जाएगी हट पर जो वास है ना। फिर आगे हम माई, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज करेंगे सब्जेक्ट से मदर से। मदर के लिए प्रोनाउन नहीं आएगा सी, लेकिन माई किस किस में है? पजेसी किस में है? उसी का हम पजेसी किस लेंगे, उसी का पजेसी किस के हम पर हर हर क्लास पुलिस का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल राधा सीट्स टू श्याम विल यू फॉरगेट मी। राधा सीट्स टू श्याम, राधा श्याम से कहती है विल यू फॉरगेट मी, क्या आप मुझे भूल जाएंगे? तो आर यू फॉरगेटिंग है ना, रिपोर्टेड इस चीज अपने इंटरगेटिव। तो पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे। आप सेस दिया है, सेस को हम किस में बदल देंगे? आस्क में बदल देंगे। हमने आपका राधा आस्क श्याम। फिर देख रहे हैं हमारे रिपोर्टेड स्पीच है वह सहायक क्रिया से शुरू है, देख रहे हैं लगा देंगे आप इसका प्रयोग कर देते हैं। अब यू आ गया, यू को चेंज करेंगे आप, यू को चेंज करेंगे श्याम से, क्योंकि सेकंड पर्सन था श्याम से, तो श्याम के लिए प्रोनाउन लेंगे क्या आएगा? ही आएगा। अब देखो अब टेंस परिवर्तन करते हैं कि बिल्कुल में बदल देते हैं, लेकिन नियम क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, मतलब या तो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में है या तो फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस में है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, इसलिए हम क्या होगा? ही विल हो जाएगा। फॉरगेट मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज करेंगे सब्जेक्ट से राधा से, तो राधा के लिए सी का प्रयोग होगा, लेकिन ये मी ऑब्जेक्ट किस में है, तो सी का हम ऑब्जेक्ट किस में लेंगे, क्या हो जाएगा? हर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल सी सेंट टू हर सिस्टर is he doing any help wish इस तरीके से सी सेड टू हर सिस्टर, वो अपनी सिस्टर से कही इज ही डूइंग एनी हेल्प टू अस, क्या वह हमारी कोई सहायता कर रहा है? बाकी आपका इंटरोगेटिव। ठीक, तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं यहाँ पे, सी हो जाएगा सी आस्क्ड हर सिस्टर। अब हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ रिपोर्टेड स्पीच और सहायक क्रिया से शुरू है, देखते हैं मैंने जवाब लगा देंगे। अब सब्जेक्ट फॉर्म रखेंगे, सब्जेक्ट की क्या है प्रोनाउन है या थर्ड पर्सन है, तो रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो इंडायरेक्ट बनाते समय उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही। अब हम टेंस देखते हैं, टेंस क्या है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इंटरोगेटिव, तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा? वाज डूइंग any help to। अब आगे यहाँ पे us, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है,
चेंज करेंगे सब्जेक्ट से तो होना चाहिए, ये भी प्रोनाउन है तो हम हर का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो यहाँ पे सी सब्जेक्ट है वो अपने के साथ साथ अपने सिस्टर की भी बात कर रही है और दोनों मिला करके प्लूरल हो गए। और जब दोनों प्लूरल थर्ड पर्सन के हो गए तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लेंगे, तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या है हम दे आएगा पहली बार, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो दिया गया प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव किसके हैं, तो देखा हम ऑब्जेक्टिव किसने हैं तो देखा ऑब्जेक्टिव किसके हम जाएगा देम। इस तरीके से जाएगा सी आस्क हर सिस्टर इफ ही वाज डूइंग एनी हेल्प टू देम। नेक्स्ट एंड लास्ट द टीचर सेड टू श्याम आर यू नॉट listening to me, the teacher said to Shyam, teacher ne Shyam se kaha, are you not listening to me, kya tum meri mujhe nahi sun rahe ho ya kya tum meri baat nahi sun rahe ho, baaki aap ko interrogative to hum quoting verb ko pehle yahan pe change karte hain, the teacher asked Shyam, okay, फिर हमने क्या है कामा रूप का बना करके हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस सहायक क्रिया से शुरू है, देखा मेरा बना दिया यहाँ पे, अब यू को चेंज करेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमको असर्टिव में चेंज करना है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन में चेंज करेंगे श्याम से, इसके लिए प्रोनाउन लेंगे तो क्या जाएगा ही का प्रयोग कर देंगे। अब टेंस की बात करते हैं, टेंस देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट का टेंस में बदलेंगे तो ही वाज जाएगा ही वाज नॉट, है ना। अब कंटिन्यूस का कोई टेंस होगा तो क्रिया उसी तरीके से रहेगी फर्स्ट फॉर्म में लिसनिंग इफ ही वाज नॉट लिसनिंग टू, फिर आ गया फिर मी, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है चेंज करेंगे टीचर से तो नाउन है, नाउन की जरूरत रहेगी कॉमन नाउन है, इसके लिए हम ही का भी प्रयोग कर सकते हैं और सी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम सी मानेंगे तो देख रहे हैं कि मी ऑब्जेक्टिव किस में है तो सी का ऑब्जेक्टिव किसके हम लेंगे हर हो जाएगा, अगर हम ही मानेंगे तो ही का ऑब्जेक्टिव किस लेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव होगा तो कैसे इसको हम डायरेक्ट सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो ग्रुप में डिस्कशन कर सकता है। ओके थैंक यू टू ऑल।